हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो संडे का दिन है, तारीख है 17 दिसंबर और सुबह सुबह का टाइम है। तो संडे का दिन था तो सारे काम लेट ही होंगे, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ तो गई थी लेकिन फिर मैं जो है लेट गई ना, ठंड का टाइम था तो मैंने सोचा आज तो संडे है, वैसे भी बहुत जल्दी नहीं है किसी भी काम की। तो सबसे पहले मैंने डाले मशीन में कपड़े, क्योंकि जब से हम आए थे ना वापस कानपुर से, तब से हमने कपड़े वगैरह नहीं धो पाए थे क्योंकि स्कूल वगैरह जाना हुआ था तो टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो संडे का ही टाइम ऐसा मिलता है जिस दिन सारे हमारे पेंडिंग वीकली काम होते हैं। तो बस फिर कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं नहा धो के बस आ गई थी मंदिर में, अपने लड्डू को नहलाया धुलाया और फिर पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, टाइम हो रहा था करीब 9:30-10 का। तो मम्मी जी से पूछा नाश्ते के बारे में, तो बस उन्होंने बोल दिया दलिया बना लो, बाजरे वाला जो पुष्टाहार दलिया होता है ना, उसमें सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, मूंग की दाल, अजवाइन, गेहूँ, चावल और बाजरा। बहुत ही पौष्टिक होता है और टेस्टी भी लगता है। बस वही मैं बना रही थी। यहाँ पे कढ़ाई में कुकर में थोड़ा सा घी डाल दिया, बिना भुना हुआ होता है ये। अब पता नहीं मुझे भुना हुआ होता है कि बिना भुना हुआ, लेकिन हम थोड़ा सा घी डाल के इसको थोड़ा सा भून लेते हैं तो और अच्छा टेस्ट बनता है। तो वही मैं कर रही थी यहाँ पर, और बाकी के सारे काम जो समेटने वाले होते हैं, वैसे समेट पूरी किचन तो सिमटी हुई थी, सारा काम रात को ही करके सो जाती हूँ और कुछ कुछ देख रही हूँ कि और लंच में मुझे क्या बनाना है, तो बस वही बनाने की सोच रही थी। उधर मेरी मलाई भी इकट्ठी हो गई थी कई 7-8 दिनों की, क्योंकि वीकली ही चलाती हूँ मैं मलाई को, तो बस मलाई भी इकट्ठी हो गई थी। तो फ्रीजर्स में से निकाल के मैंने रात को ही रख दी थी जिससे वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए और उसको अच्छे से मैं निकाल लूँ, घी से मलाई से घी बना लूँ। तो बस वही देख रही थी, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ गई थी मलाई, तो फिर मैंने मलाई भी चलाई। बिल्कुल भी इसमें गर्म पानी नहीं मिलाना पड़ता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाती है तो नॉर्मल सा थोड़ा सा पानी डाल के मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, बहुत जल्दी निकल आती है, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। तो बस फिर मैंने घी भी गर्म कर लिया था कढ़ाई रख के। जो काम ना जितनी जल्दी हो जाता है ना उतना ही सिमटता चलता चला जाता है, अगर जरा सा भी पेंडिंग हो जाए ना तो उतना ही काम आगे बढ़ता रहता है। तो साथ ही साथ मैंने घी बना लिया था और इसमें से ही जो दूध निकला है ना उसी का मैं बनाऊंगी पनीर, और बहुत ही अच्छा पनीर बनता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। देखिए दूध इतना गाढ़ा गाढ़ा होता है कि इसमें पनीर बहुत अच्छा खासा बनता है। तो सबसे पहले मैं दूध को गर्म कर लूँगी अच्छे से, फिर मैंने उसमें डाला है 2 चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर होता है ना वो, आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं और जो वो होती है ना फिटकरी भी डाल सकते हैं, दही से भी फाड़ सकते हैं। तो अभी मेरे पास नींबू नहीं था और दही था, लेकिन उसका मुझे रायता बनाना था तो मैंने फिर ना वाइट विनेगर डाल के ही फाड़ लिया, और बहुत ही अच्छी मात्रा में पनीर निकला और बहुत टेस्टी। आप एक बार बना के देखें। हाँ, लेकिन जब पनीर बनाना हो ना तो दूध को फ्रीज़र में ही रखें, अगर फ्रीज में रखेंगे ना तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फ्रीज में रखें तो उसमें थोड़ा सा जमाने वाला दही डाल दें जिससे कि वो मट्ठा तैयार हो जाएगा। तो मैं तो मट्ठा कम ही खाते हैं घर में, और इसी तरीके से पनीर के लिए ही फ्रीज़र में रखती हूँ तो वो दूध अच्छा निकलता है, तो मैं पनीर ही बनाती हूँ और पनीर खाने में बहुत टेस्टी लगता है वो वाला। फिर चाहे आप इसकी भुर्जी बनाओ या सब्ज़ी बनाओ या पराठे बनाओ, कुछ भी बनाओ, बहुत सारी वैरायटी होती है पनीर से बनाने की चीज़ों की। तो मैं ना आज इसकी ना भुर्जियाँ बनाऊँगी, बहुत अच्छी लगती है मुझे खाने के साथ, और एक एक्स्ट्रा सब्ज़ी भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने पनीर बना लिया है, और संडे है तो संडे के हिसाब से आज बहुत सारे काम हैं, क्योंकि मैंने ना मेहंदी भी लगानी थी बालों में और काफ़ी रूखे रूखे बाल हो रहे थे, तो वो भी मैंने तैयार होकर के रख दी है। तो मैंने पनीर बना लिया था, फिर आ गए थे पतिदेव जी, उन्होंने कहा आज सब्ज़ी मैं बनाता हूँ, मैं बना के खिलाऊँगा। मैंने चलो आज संडे का फ़ायदा उठाओ, तो बस आ गए थे किचन में और उन्होंने अपने तरीके से सब्ज़ी को बनाना शुरू किया, तेल डाला फिर उसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले, कूट के डाले उन्होंने, और वो अपने तरीके से ही बना रहे हैं आज। बस मैं थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर रही थी। तो सबसे पहले डाल दिए खड़े मसाले, अब डाल रहे हैं हल्दी। तो मैंने बोला इसको पानी में मिला के डालो, फिर उन्होंने पानी में मिला के डाली हल्दी, वही बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च, और बस इसको अच्छे से भूनेंगे, फिर वो जो सब्ज़ियाँ तैयार की हैं हमने मिक्स वेज के लिए वो सारी डाल देंगे। और यकीन मानो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी, क्योंकि अपने हाथ की तो रोज़ ही खाते हैं, कभी कभी किसी और के हाथ की खाओ ना तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर वो
मटर वगैरह डाल के सारी भून लेंगे और सब्जी तैयार कर लेंगे। जब तक वो सब्जी बना रहे थे तब तक मैंने सोचा लाओ मैं अपना काम कर लेती हूँ, और मैं आ गई थी अपने बालों में मेहंदी लगाने। और टाइम हो रहा था करीब 12 बजे का, 12:15 बज रहे थे और मैं 12 बजे मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि एक बार तो सुबह नहा धो के बाल धोए थे, क्योंकि बालों में मेहंदी लगानी तो बाल साफ होना ज़रूरी था, तो बाल बिल्कुल साफ थे मेरे। तो यहाँ पर मैं मेहंदी लगा के फिर बाकी के काम निपटाऊंगी, दोपहर के खाना वगैरह सब कुछ तैयार करूंगी। और यहाँ पर मेरी मेहंदी पूरी लग चुकी थी, फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। लंच का टाइम हो गया था, बज गया था एक, बज गया था करीब 1:15 बज रहा था, सभी लोग तैयार थे खाना खाने के लिए। तो बस मैंने भुजिया के लिए तैयारी कर दी, जिसमें डाला तेल और थोड़ा सा जीरा डाल के प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल दिया। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थोड़े से मसाले डाल दिए, जैसे हल्दी और लाल मिर्च, बस और कुछ नहीं डालूंगी मैं बहुत ज़्यादा। और इधर मेरा दही भी तैयार था रायता बनाने के, क्योंकि लंच पूरा ही बनाना था। तो दही को फेंट के ना मैंने आज पता है हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाई थी, उसी को मैंने रायते में मिलाया। यकीन मानो बहुत ही टेस्टी रायता बना था, यानी कि चटनी का रायता बनाया, क्योंकि बथुआ नहीं था तो मैंने आज चटनी का रायता बना लिया। फिर ये प्याज टमाटर सारे भुन गए थे तो मैंने डाल दिया उसमें थोड़ा सा नमक, और पनीर को हाथों से ही क्रश कर लिया था और डाल दिया, थोड़ा सा डाल दिया पानी, जिससे कि ना उसमें बहुत टाइट मतलब कड़ा ना हो जाए पनीर और सॉफ्ट सॉफ्ट रहे, उसके लिए थोड़ा पानी डाल के बस इसको थोड़ी देर पकाया, 5 से 6 मिनट पकाया। और देखिए हमारी भुजिया टेस्टी सी बना बन के तैयार हो गई। इसमें डाल दिया हरा धनिया, उसके बाद हमने आटा वगैरह लगा के तैयार कर लिया था। ये सब्जी बन चुकी थी बिल्कुल रेडी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। और ये हमारा रायता, चटनी का रायता तैयार है और उधर भुजिया तैयार है, बस खाने वाले तैयार हो गए थे और सबके लिए मैंने खाना पीना बनाया। और ये देखिए ये मेरी थाली लग चुकी है, सब लोग खा चुके थे, मैं भी अपना खाना लेके जा रही थी, क्योंकि मुझे बालों में लगी थी मेरे मेहंदी लगे लगे ही मैंने सारे काम कर लिए। फिर मैंने हेयर वॉश किया करीब 3:30 बजे, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं रही थी छत पर। फिर थोड़ी सी धूप में ही मैंने बाल सुखाए और शाम को हो गया था फिर ये आरती का टाइम। पूरे दिन मैंने रेस्ट किया बाल धोने के बाद, फिर की मैंने आरती। आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलूंगी एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।